हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड इफेक्टिव फेस क्लीनअप यूजिंग ओनली गुड वाइब्स के प्रोडक्ट, एंड वो भी ऐसे वैसे नहीं, गुड वाइब्स के रोज हिप रेंज वाले प्रोडक्ट के साथ आज मैं फेस क्लीनअप करने वाली हूँ। जी हाँ, वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि रोज हिप एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट्स है। मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि वाई रोज हिप। रोज हिप का ये जो रेंज है ना, वो रिसेंटली लॉन्च किया है गुड वाइब्स ने, एंड मैंने सारे प्रोडक्ट्स पिक कर लिए हैं। आपको पता ही है कि मुझे जो प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगते हैं या मेरी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, मैं उसका रिव्यू बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, एंड ये तो एक स्पॉन्सर वीडियो भी बिल्कुल नहीं है। सो मैंने खुद से इसको पिक किया है, एंड मैं सबसे पहले आपको बता दूँ गुड वाइब्स की जो रोज हिप ऑयल था, माई गॉड, वो इतना अच्छा लगा मुझे, इतना मेरी फेस के लिए अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ इफेक्ट दे रहा था। सो गुड वाइब्स की रोज़हिप ऑयल की तो मुझे बहुत पसंद आया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर रोज़हिप ऑयल इतना अच्छा है तो क्यों ना इसकी जो रेंज है उसको भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ जिस प्रोडक्ट्स के साथ मैं आपको फेस क्लीन अप दिखाऊंगी, वो सारे प्रोडक्ट्स मैं पिछले 2 वीक से यूज़ कर रही हूँ, एंड मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, हेल्दी लगता है, ये बहुत ही प्लम्पी सा हो गया है, एंड आई कैन फील द डिफरेंस ऑन माई स्किन। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि व्हाट इज गुड हिप रोज वाइब, सॉरी गुड हिप्स, सो व्हाट इज रोज हिप एक्चुअली, रोज एंड रोज हिप में क्या डिफरेंस होता है। रोज हिप एक्चुअली रोज का सीड पार्ट होता है, रोज के जो सीड पार्ट होते हैं, मतलब आप अगर आप रोज देखोगे ना, रोज के गुलाब के जो फूल देखोगे, उसके नीचे, फूल के नीचे जो एक हार्ड वाला पार्ट होता है ना, वो एक्चुअली सीड पार्ट होता है, एंड उसी को रोज हिप बोला जाता है। एंड ये रोज हिप में होते हैं भर भर के विटामिन सी। विटामिन सी इज वेरी गुड फॉर योर स्किन, एंड ये सिर्फ स्किन के लिए नहीं, रोज हिप ऑयल या रोज हिप के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसमें जो न्यूट्रिशंस होते हैं, वो आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे लोग रोज हिप टी भी लेते हैं, बहुत सारे लोग रोज हिप को हेयर पे भी लगाते हैं कुछ चीज़ों के साथ मिला के। सो आज हम लोग पियेंगे भी नहीं, हेयर पे भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ फेस पे लगाएंगे, एंड फेस पे लगा के आपको इसको दिखाएंगे। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आया है, अगर आप भी चाहते हो तो एक बार ट्राई करके आप देख सकते हो, एंड सारे के सारे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। सो मैं आपको पूरा डेमो अभी दिखाने वाली हूँ, तो आपको अगर डेमो पसंद आता है या अगर आपके लिए इफेक्टिव रहता है, सो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है उसको क्लिक कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है, और उसके बगल में एक बेल आइकन भी है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो अगर वीडियो पसंद है, प्लीज़ 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 एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक से एंड आपकी सब्सक्रिप्शन से ही हमें मिलते हैं मोटिवेशन। सो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो में, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जिस रेंज की मैं बात कर रही हूँ वो है ये गुड वाइब्स की रेंज, जिसमें आपको फेस वॉश, फेस स्क्रब, फेस जेल, फेस मास्क, टोनर एंड रोज़हिप सीरम भी मिल जाती है। सो सबसे पहले मैं अपनी फेस हेयर को टाई कर लूँगी अच्छी तरीके से, ताकि फेस क्लीनअप करने के टाइम पे मेरी फेस पर कोई भी बाल ना आए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के मेकअप को अच्छी तरीके से रिमूव करना, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे कॉर्की की जेल मेकअप रिमूवर। इसकी पूरी रिव्यू मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ मेरे चैनल पर, इसका लिंक मैं दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो देख सकते हो। ये बहुत ही जेंटली एंड बहुत ही अच्छी तरीके से आपके मेकअप को रिमूव कर देता है। मेकअप को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है फेस क्लीनअप से पहले, तो मेकअप आप पूरी तरीके से रिमूव कर लीजिए। अब एक कॉटन पैड की मदद से मैं सारे एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव कर रही हूँ। एज यू कैन सी कितना सारा प्रोडक्ट निकल आया है। सो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट, जो है रोज हिप की स्किन रिन्यूइंग फोमिंग फेस वॉश, जिसमें आपको 150 ml का प्रोडक्ट मिल जाता है। ये सारे के सारे रेंज है पैराबिन एंड सल्फेट फ्री, मिनरल ऑयल फ्री एंड क्वेल्टी फ्री एज वेल। सो ये एक फोमिंग फेस वॉश है जो मैं पहली बार यूज़ कर रही थी और मुझे काफ़ी पसंद आया है। ऑयली स्किन वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को बहुत ही माइल्ड एंड यू नो एज अ फोमिंग फेस वॉश ही यूज़ करना चाहिए। इसका आपका pH बैलेंस एंड ऑयल का जो बैलेंस है वो फेस पर बना रहता है, एंड ये क्लेम करते हैं कि ये आपकी जितनी भी जेंटल इम्प्योरिटीज़ है वो सबको बहुत ही धीरे धीरे अच्छी तरीके से जेंटली रिमूव करता है, स्किन में एक नेचुरल मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी गुड वाइब्स की रोज हिप स्क्रब।
इसमें भी आपको मिल जाता है टोटल 50 ग्राम का प्रोडक्ट। ये बहुत थिक कंसिस्टेंसी में है, इसके जो छोटे छोटे ग्रैनुअल्स है पार्टिकल्स है बहुत ही छोटे हैं, तो आपकी अगर सेंसिटिव स्किन है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। मेनली मैं फोकस कर रही हूँ अपनी टी जोन पर, क्योंकि यहाँ पर डेड सेल्स ज़्यादा होता है एंड ये स्क्रब आपकी डेड सेल्स को रिमूव करने में और जितने भी डर्ट ब्लैक हेड से सबको रिमूव करने में हेल्प करता है और आपकी स्किन को एक क्लियर स्किन बना देता है। थोड़ा थोड़ा कि मैं पानी ले रही हूँ ताकि मेरी जो स्क्रब है वो अगर ड्राई नहीं हो जाते हैं एंड बहुत अच्छी तरीके से आप मसाज कर पाते हो। हल्के हाथ से मसाज करना है एंड हफ्ते में दो बार करना है, इट्स एनफ। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी गुड वाइब्स की ये क्लैरिफाइंग टोनर, जिसमें आपको मिल जाता है टोटल 120 ml का प्रोडक्ट। ये टोनर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हाइड्रेटिंग है स्किन के लिए एंड मैं इसको लगाने के बाद सबसे पहले मैं अपनी पूरी फेस पर इसको लगाऊंगी एंड इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अब एक कॉटन पैड की मदद से मैं अपनी फेस पर इसको एक बार वाइप अप कर लूँगी, क्योंकि मैंने जो मेकअप रिमूव किया है पूरी तरीके से मेकअप रिमूव नहीं होता है फेस वॉश करने के बाद भी। सी एज यू कैन सी थोड़ा बहुत और भी डर्ट निकल रहे हैं, दैट मीन्स आपको अच्छी तरीके से आपका फेस क्लीन नहीं हुआ है। तो अभी क्लीन हो गया है फेस, तो इसलिए मैं फिर से एक बार और टोनर को अप्लाई कर लूँगी और इसको ऐसे ही अब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दूँगी। देन मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स की फेस मास्क। ये फेस मास्क काफ़ी सूदिंग है, ये स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस मास्क है एंड ये थोड़ा सा ऐसे रेड कलर में आता है, ये आपकी स्किन की जो डलनेस है उसको दूर करता है, आपकी स्किन को एक अच्छा ल्यूमिनस कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड करता है, जितने भी एक्ने स्कार्स है उसको भी रिमूव करने में मदद करता है। तो पूरी स्किन पर मैं फेस पर अच्छी तरीके से इवनली अप्लाई करूँगी, ज़्यादा या कम नहीं अप्लाई करूँगी एंड इसको मैं 15 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी स्किन पर ड्राई आउट होने के लिए। तो 15 मिनट्स के बाद मेरा स्किन मास्क जो है थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। अभी मैं एक गीले कॉटन टाल की मदद से नीचे से ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से मास्क को रिमूव कर लूंगी एंड एज यू कैन सी कि मेरा फेस कितना क्लीन हो गया है। नेक्स्ट है रोजिप की मैक्सिमम हाइड्रेशन फेस जेल, मुझे ये बहुत पसंद आया फ्रेंड्स। इसमें आपको मिल जाता है टोटल 50 ग्राम का प्रोडक्ट एंड ये जेल जो है मैं पहली बार ऐसा कुछ जेल ट्राई कर रही थी एंड इसका स्मेल एंड इसका टेक्सचर मुझे काफ़ी पसंद आया। फेस को मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एवरीडे नाइट को इससे ही अपनी फेस को मसाज करती हूँ एंड ये काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये ब्लेसिंग्स है, आपकी स्किन पर हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, स्किन पर एक अच्छा फेयर टोन लाता है, स्मूथ टोन लाता है एंड बहुत ही सॉफ्ट बना देता है आपकी स्किन को, बहुत ही प्लम्पी बन हो जाता है स्किन। सो नेक्स्ट बात करते हैं गुड वाइब्स की रेडिएंट ग्लो फेस सीरम की, रोजी फेस सीरम। ये तो काफ़ी अच्छा वाला प्रोडक्ट है, ये आपकी स्किन पर एक अच्छा सा ब्लर इफेक्ट देता है। अगर आप इसको प्राइमर की तरह भी यूज़ कर सकते हो एंड इसके डेली यूजेस पर आपकी स्किन की जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत बहुत मतलब ग्रो करता है एंड आपकी जितने भी फाइन लाइंस एंड रिंकल्स है उसको भी ये रोकने पर मदद करता है। सो इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। तो अभी पूरी लास्ट में इसको लगा के मैं छोड़ दूंगी अपनी फेस को थोड़ा सा मसाज करके एंड मेरी फेस क्लीन अप हो जाती है कंप्लीट। सो माय फेस क्लीन अप इज़ कंप्लीट एंड लुक एट माय फेस, इट्स सो क्लीन। अभी पूरी तरीके से ये क्लीन हो गया है एंड ये जो आप ग्लो देख रहे हो ना, ये रोजिप ऑयल यूज़ करने का ग्लो है एंड ये बिल्कुल चिपचिपा नहीं है। सी इट्स नॉट वेरी स्टिकी एंड ये ईजिली अभी थोड़ी देर बाद पूरा अब्जॉर्ब भी हो जाएगा एंड आपकी स्किन को एक ब्लर एंड स्मूथ इफेक्ट भी देगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो गया, आप देख सकते हो पहले वाले फेस एंड अभी फेस में थोड़ा सा फेस काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गया है। मेरी दस की स्किन टोन है, अगर आप शायद आपको उतना ज़्यादा पसंद नहीं मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में बहुत अच्छी तरीके से क्लीन किया है एंड अगर आप फेस क्लीन अप कर रहे हो, आप हफ्ते में इसको एक से दो बार ज़रूर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फेस वॉश एंड जो जेल है वो आप तो रेगुलर यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्क्रब एंड मास्क आप दिन में हफ्ते में दो बार ही यूज़ कीजिए एंड ये जो पूरी फेस क्लीन अप है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो, इससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड जिस दिन आप फेस क्लीन अप कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उस दिन ज़्यादा धूप में बाहर ना निकले, ताकि ये जो अभी अभी अपने फेस पर इतनी सारे बहुत सारे अच्छे से चीज़ एंड फेस पर बहुत सारे तामझाम हुआ है
वो भी बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, फेस को भी रिलैक्स होने का मौका देना चाहिए। तो आप उस दिन फेस क्लीन अप करने के टाइम पे आप बाहर ना निकले एंड मेकअप आप उस दिन ना करो तो ही अच्छा है, ये मैं सजेस्ट करूँगी आपको। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग से लेके। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।